गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे डार्विन ने जो जीवों को अवलोकन किए उसमें गोलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन ने कुछ विशेष अवलोकन किए। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास गोलापागोस टापू बहुत सारे टापू था जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का डार्विन ने अवलोकन किए। गोलापागोस के टापू में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कैक्टस पौधे छिपकली पक्षी कछुए वर्मी आदि जीव जंतु का उन्होंने अध्ययन किए जिस जीव जंतु के आवास उसकी शारीरिक संरचना रंग भोजन आदि में विभिन्नताएं पाई गई जिसकी अवलोकन डार्विन ने किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु में एक वर्मी नामक जीवों का उन्होंने अध्ययन किया जिसको मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की हूँ। उन्होंने देखा कि वर्मी के जो जीवाश्म थे उससे ये पता चला कि पूर्व में प्राचीन समय में जो वर्मी था उसकी शारीरिक संरचना बड़ी थी लेकिन धीरे धीरे उसकी शारीरिक संरचना ऐसे हो गई। तो यह पहले वो इतने विशाल का शरीर में और बाद में ऐसे धीरे धीरे छोटे होने की वजह क्या होगी ये सभी कारणों का उन्होंने पता लगाया कि जिस समय वर्मी विशाल का शरीर का था तो हो सकता है उस समय का वातावरण वहाँ की भोजन वहाँ का आवास इसके लिए अनुकूल रहा होगा लेकिन धीरे धीरे वहाँ की वातावरण भोजन या कुछ ऐसी आपदाएं आई होगी जिसके कारण से वर्मी की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होते गया। फिर आगे उन्होंने बहुत सारे और टापुओं का अध्ययन किया जिसमें फिश नामक जो चिड़िया थी उसकी अध्ययन किए। जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने आसपास में गौरैया उसी प्रकार फिश जो चिड़िया थी वो अलग अलग टापू में एक ही प्रजाति की चिड़िया अलग अलग टापू में थोड़ी अलग अलग शारीरिक संरचनाओं में बढ़ गई। खासकर जो चिड़िया की चोंच थी उसकी रचनाओं में भिन्नता पाई गई। तो एक ही चिड़िया की ये जो चोंच में जो भिन्नता पाई गई वो क्यों पाई गई तो उसकी वजह ये थी कुछ जो चिड़िया थी वो इल्ली खाने वाली थी कुछ जो चिड़िया थी वो कैक्टस फल को खाते थे कुछ चिड़िया जो थी पत्ती का रस चूसती थी कुछ चिड़िया जो थी बीजों को खाती थी। तो वहाँ जो वातावरण में जो भोजन उसके लिए उपलब्ध था तो उस भोजन को खाने के लिए उसकी चोंच में क्या हुई परिवर्तन आते गई और उसके अनुसार उसकी चोंच वहाँ अनुकूलित होते गई। तो इस प्रकार उन्होंने फिश नामक चिड़िया की चोंच की अनुकूलन का अध्ययन किया। फिर आगे उन्होंने बताया सजाति लक्षण। सजाति इसमें यहाँ पर उन्होंने सजाति और समृद्धि दो चीजों के बारे में अध्ययन किया। सजाति होता क्या है जैसे आप लोग देखते हैं ना कुमड़ा है या रखिया है करेला है सेमी है उसमें ऐसे प्रतांत होता है जिसको हम लोग नार बोलते हैं ना उसी प्रकार आलू है और नींबू में जो कांटे होती है। तो ये जो प्रतांत है आलू का कंद है और ये नींबू के पौधे में जो कांटे होता है ये सभी क्या चीज है तना है लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। ये तीनों की जो उत्पत्ति है वो समान है लेकिन कार्य इसका क्या है अलग अलग है। जैसे प्रतांत सहारा प्रदान करने का कार्य करता है आलू एक कंद जड़ के समान कार्य करती है और ये रक्षा प्रदान का कार्य करता है लेकिन तीनों क्या चीज है तना है। तो ऐसी जिसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो उसको हम क्या बोलेंगे सजाति बोलेंगे। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जब से पक्षी का पंख है डॉल्फिन का पंख है और कुत्ते का अग्रटांग है मनुष्यों की हाथ है ये सभी जो है शारीरिक जो उत्पत्ति होती है इसकी समान होती है लेकिन इसकी कार्य अलग अलग होती है। पक्षी का पंख जो है उड़ने का कार्य करता है डॉल्फिन तैरने का कार्य करता है और कुत्ते की जो अग्रटांग होती चलने का कार्य करते हैं और मनुष्य अपने हाथों से काम करता है और सामान को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति तो समान है लेकिन काम ये अलग अलग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे सजाति जंतुओं का सजाति लक्षण। उसी प्रकार समृद्धि क्या होता है समृद्धि जो लक्षणों में उत्पत्ति अलग अलग होती है जैसे अंगों की उत्पत्ति तो अलग अलग होती है लेकिन उसका कार्य एक जैसे रहता है। एग्जाम्पल इसका जैसे तितली का पंख है चिड़िया का पंख है चमगादड़ का पंख है तो सभी
क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग होती है। तो इसकी परिभाषा समवृत्ति का आप लिख सकते हैं, जीवों का वह लक्षण जिसमें उसकी उत्पत्ति तो अलग अलग होती है लेकिन उसका कार्य समान होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समवृत्ति बोलते हैं या समवृत्ति कहते हैं। आगे है चयन और विकास।